मथुरा के फरेह क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल आए एक परिवार जहर पुरानी का शिकार हो गया। पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में से शादी समारोह में शामिल होने गांव परखम के लोग जहरखानी के शिकार हुए। पूरा परिवार बेहोश घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती कराए गए इन सभी लोग एक ही परिवार गांव के प्रखंड थाना फरे के रहने वाले हैं। जहां परिजन ने जानकारी देते बताया कि कल देर शाम आगरा के गांव रुद्र की घड़ी से शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार यहां गया था और रात 12 बजे खाना खाने के बाद वापसी आने लगे तो कुछ लोग गाड़ी में बैठ कर आ गए तो कुछ वहीं रह गए। उसके बाद अचानक धीरे धीरे सभी नशे में होने लगे और पूरा परिवार घर आते आते बेहोश हो गया, जिसके से कुछ लोग शादी समारोह में रुक गए। यहां शादी समारोह में जिन लोगों ने खाना खाया वो भी लोग खाना खाने के बाद बेहोश हो गए और वहां बारात के दौरान नकदी जेवरात ले गए। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोश लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार। कहां के रहने वाले हो? गांव परखम। क्या मामला हो गया था? मामला ये था, घर में शादी थी चाचा के लड़के की, तो हम शादी में शरीक होने के लिए गांव से, एक आगरा जिले में गांव पड़ता है रद्दू की घड़ी, वहां पे करीब हम गए, तो हम जो निकले थे घर से करीब 9 बजे के समथिंग निकले थे, तो पहुंचते पहुंचते हमें वहां 10:30 बज गए। 10:30 बजे के बाद वहां बारात की चढ़ाई बढ़ाई हुई, चढ़ाई जैसे हुई उसके बाद चढ़ाई पूरी होने के बाद जैसे ही उन्होंने खाना खाने के लिए बुलाया तो सब लोगों ने 12:05 पर खाना खाया। खाना खाने के बाद तो जैसे ही खाना पूरी रूप से मतलब खा लिया तो सब लोग अपना वापसी आ रहे थे। हाँ, वापसी होने लगे, सब एडजस्ट हो गए गाड़ियों में। तो जैसे ही वहां से निकले तो हम तो निकल के चले आए, लेकिन रास्ते में फोन आया कि यहाँ लूट हो गई है, यानी कि जिन लोगों ने खाना खाया था वो वहाँ बेहोश हो गए। अच्छा। और फिर उसके बाद जो हमारे साथ थे गाड़ियों में वो घर आते आते बेहोश हो गए। अच्छा। तो जैसे ही सुबह तक हमने प्रयास किया, देखा, इंतजार किया कि कोई बात ना हो, लेकिन जब हमें ये दिखी कि ये कोई घटना हो गई है तो फिर हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी, प्रशासन को सूचना दी। उस एवज में इन्होंने प्रशासन ने फरे सामुदायिक हॉस्पिटल है वहां पे भर्ती कराया। उसके बाद वहां जिनकी ज्यादा गंभीर हालत थी उन्हें रेफर कर दिया मथुरा। पुलिस को शिकायत कर दिया। हाँ, पुलिस ने।